हेलो फ्रेंड्स, दिस इज मनीषा तोमर और आज हम बात करेंगे सीटेट 2018 का साइंस वाला पार्ट सॉल्व करेंगे विद एक्सप्लेनेशन। तो कौन कौन सी क्वेश्चंस 2018 में साइंस में आए थे और इससे हमें आइडिया लगता है कि किस टाइप के क्वेश्चन सीटेट में आते हैं। तो सबसे पहले हम सीटेट के सिर्फ मैं साइंस वाला पार्ट सॉल्व करूंगी यहाँ पे। तो सबसे पहला जो क्वेश्चन था 61, द लॉन्गेस्ट स्नेक्स फाउंड इन द वर्ल्ड आर। देखिए यहाँ पे पूछा गया था कि संसार का सबसे बड़ा स्नेक कौन सा होता है, वर्ल्ड के अंदर कौन सा सबसे बड़ा स्नेक है। तो यहाँ पे वाइपर्स दिया हुआ था, एनाकोंडा दिया था, बायोस दिया जा था एंड रेटिकुलेटेड पाइथन्स दिया था। तो जो सीबीएसई ने यहाँ पे सॉल्यूशंस माने थे डाउटफुल क्वेश्चंस में, उसी का आंसर आपको बताऊंगी। तो यहाँ पे इसका आंसर होगा, देखिए एनाकोंडा पे मूवीज बहुत बनी है तो हमारे माइंड में आता है फटाफट एनाकोंडा होगा, बट सबसे बड़ा स्नेक जो बोला है इसने वो होगा रेटिकुलेटेड पाइथन्स। कौन सा होगा? रेटिकुलेटेड पाइथन इज द लॉन्गेस्ट स्नेक विच इज फाउंड इन द वर्ल्ड। सेकेंड क्वेश्चन था, योगा इज डन द पीपल इन द वर्ल्ड बिकॉज। क्यों करते हैं योगा वर्ल्ड में लोग, पूरे वर्ल्ड में योगा किया जाता है। अब तो इंडिया के अंदर योगा डे भी सेलिब्रेट किया जाता है। कमेंट्स बॉक्स में बताओगे आप मुझे वो योगा डे कब सेलिब्रेट करते हैं। अभी गया है जस्ट, दैट इज 21 जून इज सेलिब्रेटेड एज इंटरनेशनल योगा डे। तो यहाँ पे इसका आंसर था क्यों करते हैं लोग, इट इज ए सिंपल एक्सरसाइज। ये एक सिंपल एक्सरसाइज होती है? नहीं, सिंपल एक्सरसाइज तो ये बिल्कुल नहीं होती है। इट कीप्स पीपल हेल्दी, यस ये लोगों को हेल्दी रखती है। इट इंक्रीज हंगर, इट ब्रिंग्स हैप्पीनेस। तो ये सारी चीजें आती हैं, लेकिन सबसे नियर बाई अगर हम हेल्दी होंगे तो हमारा हंगर अपने आप इंक्रीज हो जाएगा और हैप्पीनेस भी बढ़ेगी। तो इसका आंसर होगा इट कीप्स पीपल हेल्दी। तो जो नियर बाई एकदम नियरेस्ट आंसर होता है हम उसी को चूज करते हैं। द वैक्सीन फॉर स्मॉल पॉक्स वॉज डिस्कवर्ड बाई, किसने की थी वैक्सीन स्मॉल पॉक्स की? एक डायरेक्ट क्वेश्चन था, दैट इज एडवर्ड जेनर। एडवर्ड जेनर ने क्या किया था, डिस्कवरी की थी किसकी? स्मॉल पॉक्स के वैक्सीन की। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज यूज एज ए प्रिजर्वेटिव? देखिए कॉपर सल्फेट, सोडियम बेंजोएट, अमोनियम सल्फेट और सोडियम क्लोराइड। ये भी उस टाइम सीबीएसई का एक क्या कहते हैं वो डाउटफुल क्वेश्चन था, क्योंकि सोडियम क्लोराइड को भी सीबीएसई ने एज ए प्रिजर्वेटिव यूज कर रखा है, लेकिन यहाँ पे सीबीएसई ने माना था क्लोजेस्ट, यानी कि जो कमर्शियल लेवल पर एट ए लार्ज स्केल यूज किया जाता है। तो इसका आंसर होगा सोडियम बेंजोएट इज यूज एज ए फूड प्रिजर्वेटिव। ईस्ट इज फॉर द प्रोडक्शन ऑफ, किस लिए ईस्ट यूज होती है फॉर द प्रोडक्शन ऑफ, क्या कर्ड के? नहीं जी, इसके लिए तो बैक्टीरिया ही होते हैं, लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया। शुगर के प्रोडक्शन के लिए भी हमें ईस्ट की जरूरत नहीं होती है। कॉमन सॉल्ट के प्रोडक्शन के लिए तो बिल्कुल भी नहीं होती है। तो यहाँ आंसर होगा एल्कोहल। एल्कोहल के प्रोडक्शन के लिए हमें ईस्ट की रिक्वायरमेंट होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन था जो कि बायो से रिलेटेड था, अगर माइटोकॉन्ड्रिया में एटी का फॉर्मेशन होता है तो राइबोसोम में किस चीज का फॉर्मेशन होता है? जैसे माइटोकॉन्ड्रिया में एटीपी से रिलेटेड है एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट से, वैसे ही राइबोसोम किससे रिलेटेड है? कार्बोहाइड्रेट से, प्रोटीन से, विटामिन से या विटामिन से। तो इसका आंसर होगा प्रोटीन से रिलेटेड। राइबोसोम का रिलेशन वही प्रोटीन के साथ है जो माइटोकॉन्ड्रिया का एटीपी से रिलेशन है। तो यहाँ पे ये क्वेश्चन नंबर था 66। नाउ क्वेश्चन नंबर 67 क्वेश्चन वाज, इफ द फ्रीक्वेंसी ऑफ ए सिंपल पेंडुलम इज 2 हर्ट्स, हर्ट्स इज द यूनिट ऑफ फ्रीक्वेंसी, हाउ मेनी ऑसिलेशंस विल इट कंप्लीट इन 60 सेकेंड्स? तो इसकी कैलकुलेशन मैं यहां नहीं करा रही हूं, आपको आंसर होगा जो था इसका वो था 32। 16 देखिए 16 सेकेंड्स है, मैनी हाउ मैनी ऑसिलेशंस विल कंप्लीट इन 60 सेकेंड में कितने होंगे? अगर उसकी फ्रीक्वेंसी क्या है पेंडुलम की, 2 हर्ट्स है, तो यहाँ पे 32 हो जाएगा 16 सेकेंड के लिए। विच वन ऑफ द फॉलोइंग मेटल्स बर्न इन कैप्ड इन एयर, कौन से मेटल एयर में बर्न होते हैं? मैग्नीशियम, जिंक, एल्यूमिनियम या सोडियम? तो इसका आंसर होगा सोडियम। बच्चों आप लोगों ने पढ़ा होगा, फ्रेंड्स आपने पढ़ा होगा कि जो सोडियम होता है वो उसको हम केरोसिन ऑयल के अंदर रखते हैं बिकॉज ये इट इज वेरी रिएक्टिव विद एयर। अगर हम इसे एयर में रखते हैं ओपन तो ये एक्सप्लोसिव होता है, बर्न हो जाता है, इसीलिए इसको किस में रखा जाता है? सोडियम को केरोसिन ऑयल के अंदर रखा जाता है। बाकी सारे मेटल्स इस कैटेगरी इतने रिएक्टिव नहीं होते हैं।
मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड इज यूज्ड एज ए, देखिए मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड क्या है, एक बेस है, क्या है ये बेस है, तो यूज्ड होता है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह, रिड्यूसिंग एजेंट की तरह, एंटासिड की तरह या फर्मेंटेशन एजेंट्स की तरह। तो मैं प्रीवियस ईयर का सेवेंथ स्टैंडर्ड की जो मैं एनसीईआरटी अपने चैनल पे सारे चैनल्स को चैप्टर्स को मैं डिस्कस कर रही हूँ, सिक्स सेवन्थ की भी करूंगी बट अभी एट्थ की भी करूंगी, मैंने सेवन्थ का मैंने डाल दिया। देखो उसमें से ही आपको कम सीटेट में कम से कम 4 से 5 क्वेश्चन मिल जाएंगे। जो सीटेट का पेपर होता है वो बेसिकली मैंने नोटिस किया है कि सारे साइंस के क्वेश्चन वो सीटेट में जो आते हैं वो एनसीईआरटी बेस्ड ही होते हैं, तो ये क्वेश्चन भी वहां पे अवेलेबल है, मैंने इसको आपको कराया हुआ है। तो आंसर होगा एंट एसिड। जो मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, जब हमारा पेट का मतलब स्टमक में जो प्रॉब्लम हो जाती है, डाइजेशन हो जाता है, तो हम एंट एसिड यूज करते हैं जिससे कि हमें रिलीफ मिलता है। उस एंट एसिड की तरह कौन यूज किया जाता है, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, क्योंकि एसिडिटी हो जाती है। इस टकमक के अंदर कौन सा बेस एसिड मिलता है, HCl, और HCl को न्यूट्रल, जब उसकी एक्सेस हो जाती है तो उसको न्यूट्रल करने के लिए मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड का यूज किया जाता है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन था, विच वन ऑफ द फॉलोइंग गैसेस बर्न्स विद पॉप साउंड, कौन सी गैसेस पॉप साउंड के साथ बर्न होती हैं। तो इसका आंसर था हाइड्रोजन इज बर्न्स, या आपने बहुत टाइम पर कई बार पढ़ा होगा, बर्न्स विद पॉप साउंड, एक पॉप साउंड के साथ बर्न होती है हाइड्रोजन। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर एग्जाम्पल ऑफ नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स, ये भी एक डाउटफुल क्वेश्चन था। तो नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स कौन सा होता है, ग्रेविटेशनल फोर्स होता है, मस्क्यूलर फोर्स होता है, मैग्नेटिक फोर्स होता है, बोथ फॉर वन एंड टू। तो देखिए जो मस्क्यूलर फोर्स होता है ये कैसा होता है, इसको हम कोई डाउट ही नहीं है इसमें, तो ये कौन सा होता है, कॉन्टैक्टेड होता है। मैग्नेटिक फोर्स भी कॉन्टैक्टेड ही होता है, तो इसका आंसर होगा ग्रेविटेशनल फोर्स इज अ नॉन कॉन्टैक्टिक फोर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन था, डायबिटीज इज कंट्रोल्ड बाय द हार्मोन, किस हार्मोन से डायबिटीज को कंट्रोल करते हैं। तो इसका थायरोक्सिन हार्मोन से, एड्रिनल हार्मोन से, थायमोसिन हार्मोन से, या इंसुलिन। तो इसका आंसर है इंसुलिन से हम किसको कंट्रोल करते हैं, डायबिटीज को कंट्रोल करते हैं। तो आई होप कि आपके ये समझ में क्वेश्चन आ रहे होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन था हमारा, मैं आज सारे क्वेश्चन सॉल्व करने की कोशिश करूंगी, पेडागॉजी वाला पार्ट छोड़ दूंगी साइंस का, वो बाद में डिस्कस कर लेंगे। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए प्रोडक्ट ऑफ पेट्रोलियम, केरोसिन, सीएनजी, पैराफिन वैक्स या बिटुमेन, कौन नहीं है, किसका पेट्रोलियम प्रोडक्ट कौन नहीं है। तो यहाँ पे आंसर है, आपको सबको पता होगा, दैट इज केरोसिन, सॉरी सीएनजी। सीएनजी की फुल फॉर्म क्या होती है, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस किसका पेट्रोलियम का प्रोडक्ट नहीं है, बाकी सारे विटुमेन, पैराफिन वैक्स, केरोसिन, ये सभी पेट्रोलियम के प्रोडक्ट होते हैं। फ्रेंड्स, अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रही है तो प्लीज आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, अगर अभी आपने सब्सक्राइब नहीं कर रखा है, और वीडियो को लाइक करें, कमेंट भी करें और शेयर करें। नेक्स्ट, रेड डेटा बुक कंटेन्स ए रिकॉर्ड ऑफ, रेड डेटा बुक में क्या होता है, किस चीज को रिकॉर्ड किया जाता है। तो स्टूडेंट, ये आपने बहुत पहले से, काफी टाइम से, हम छोटी क्लासेस से पढ़ाया जाता है, रेड डेटा बुक जो होती है वो डेंजर, रेड कलर जो होता है वो डेंजरस होता है। तो ये एंडेंजर्ड स्पेसीज, ऐसी स्पेसीज जो संकट में है, जिनको खत्म होना है, होने जा रही है, डेंजरस कंडीशन में, उनको जो रिकॉर्ड मेंटेन किया जाता है वो रेड डेटा बुक के अंदर मेंटेन किया जाता है। तो इसका आंसर होगा एंडेंजर्ड स्पेसीज। नेक्स्ट क्वेश्चन था, व्हाई आर द सोल्स ऑफ द शू ट्रेडेड, सोल्स के जो शूज होते हैं, सोल्स ऑफ द शूज जो होते हैं वो ट्रेडेड होते हैं, यानी कि जो जूते के सोल होते हैं वो असमतल क्यों बनाए जाते हैं, ट्रेडेड क्यों बनाए जाते हैं। तो इसका रीजन क्या होता है, टू गिव द सोल्स मोर प्रोटेक्शन, नहीं, टू डिक्रीज फ्रिक्शन, टू इंक्रीज लाइफ ऑफ द शूज। देखिए अगर आप डिक्रीज कर देंगे फ्रिक्शन को तो आप स्लिप होके गिरेंगे, टू इंक्रीज द लाइफ ऑफ द शूज वो भी नहीं। तो इसका आंसर होगा टू इंक्रीज फ्रिक्शन, फ्रिक्शन को इंक्रीज करने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन था, सरिता टुक डिस्टिल्ड वाटर इन ए बोटल, सरिता क्या करती है, डिस्टिल्ड वाटर को एक बोटल में लेती है, एंड ट्राई टू फाइंड वेदर इट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी और नॉट, और ये ट्राई करती है कि वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कर पा रही है कि नहीं,
वॉट इज सी लाइकली टू फाइंड, वो क्या करना, क्या पता करना चाहती है, कि वो पता करना चाहती है. इट इज अ गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी. देखिए स्टूडेंट्स, आप फ्रेंड्स जानते होंगे जो वाटर होता है, डिस्टिल्ड वाटर होता है, वो इलेक्ट्रिसिटी के लिए कंडक्टर नहीं होता है. इलेक्ट्रिसिटी जो कंडक्ट होती है वो फ्री इलेक्ट्रॉन्स की वजह से होती है, और इसके अंदर, डिस्टिल्ड वाटर के अंदर कोई फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं होता है, तो ये गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी नहीं होता है. इट इज एन इंसुलेटर, ना ही ये प्योरली इंसुलेटर होता है. इट इज पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी. यस, ये पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होता है, नन ऑफ द दीज. तो ये इसका आंसर होगा, ये एक पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होता है, ना तो बहुत ही अच्छा कंडक्टर होता है, और ना प्योर इंसुलेटर होता है. तो ये कुछ क्वेश्चन थे जो कि साइंस से रिलेटेड थे यहाँ पे. उसके अलावा कुछ और क्वेश्चन थे, उनको हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे, क्योंकि वो क्वेश्चन हमारे मीन्स मिक्स थे, ना तो हम उसको टोटली साइंस के कह सकते हैं. ज्योग्राफी से रिलेटेड क्वेश्चन थे 72-76 के बाद. तो स्टूडेंट्स, अभी हम यहाँ तक ही डिस्कस करेंगे. अगर आपको वीडियो पसंद आया तो अगेन इट्स माई हम्बल रिक्वेस्ट, लाइक माई वीडियो एंड सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल. थैंक यू सो मच.